हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा ब्लॉग है मस्कत टू बुरेमी। तो आज के दिन हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं, क्योंकि बुरेमी जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो पासपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है ये हम आपसे डिस्कस करेंगे, और आज मैं आपको दिखाऊंगा बॉर्डर कैसे क्रॉस करते हैं। और इसके साथ साथ आज कुछ हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा ज्योग्राफिकल रीजन के बारे में बुरेमी का। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और ये है सोहार गेट। अब हम गुजर रहे हैं सोहार से। सोहार में ग्रीनरी आपको एज कम्पेयर टू मस्कत थोड़ी ज्यादा नजर आएगी। और ये है सोहार की मशहूर मस्जिद सुल्तान काबूस ग्रैंड मॉस्क, जिसकी एक अलग से वीडियो मैं ऑलरेडी अपने व्लॉग में दिखा चुका हूँ। और अब हम आ गए हैं बॉर्डर पर, जहाँ पर हम अपना पासपोर्ट और ओमान का वीजा शो करेंगे। तो गाइस, अब मैंने बॉर्डर क्रॉस किया है। तो बॉर्डर पर पासपोर्ट दिखाने पर उन्होंने देखा कि गाड़ी में कितने लोग मौजूद हैं, और उन्होंने एक ऐसी रिसिप्ट दे दी है जिस पर लिखा हुआ है कार का नंबर और कितने मेंबर्स गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो अब इसके बाद क्या होगा कि जो रिसिप्ट है ये हम जाकर देंगे सिक्योरिटी चेक को, जो कि आपकी कार में देखेंगे कि वाकई एक लोग हैं या एक से ज़्यादा लोग हैं, क्या उतने ही मेंबर्स हैं जितना इसमें मेंशन किया हुआ। और इसके अलावा वो देख भी लेंगे आपकी गाड़ी में, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो चेक भी करेंगे। तो गाइस, अब हम एंटर हो चुके हैं बुरेमी में, और अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ बुरेमी के रीजन के बारे में। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ज्योग्राफिक रीजन के डिस्कस करेंगे, तो बेसिकली 2008 से पहले अक्टूबर 2008 से पहले ये दाहिरा का हिस्सा था, और उसके बाद इन्होंने थोड़ा रीअरेंजमेंट किया है और इसको अलग कर दिया गया दाहिरा रीजन से। तो अब मैं आपको यहाँ के रूट भी दिखाता जाता हूँ, और साथ साथ मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी बताता जाता हूँ, ठीक है। सो गाइस, इन अक्टूबर 2006 जब इसको बुरेमी को अलग कर दिया गया अल-दाहिरा रीजन से, तो बेसिकली अल-दाहिरा रीजन में दो प्रोविंस और भी थी, जैसे कि अल-बुरेमी एंड माहदा। तो इन्होंने क्या किया, अल-बुरेमी और माहदा को मिलाकर उन्होंने एक और इसमें एक नई विलायत बना दी, नई प्रोविंस बना दी, जिसका नाम रखा इन्होंने अल-सनाया। तो इस तरह अब अल-दाहिरा गवर्नमेंट में सिर्फ तीन प्रोविंस रह गई हैं, जैसे कि इब्री, यंकल एंड धंग। सो गाइस, अब मैं वापस जा रहा हूँ मस्कत की तरफ। तो एक बात तो आपको बताना भूल ही गया कि इन केस अगर आप अपना पासपोर्ट भूल जाते हैं, तो वैसे तो एंट्री अलाउड नहीं होती बुरेमी में आने के लिए, पासपोर्ट ज़रूरी होता है। मगर फिर भी आप एक काम ये कर सकते हैं जो मैंने किया था अपने लास्ट विजिट में, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं अपना पासपोर्ट घर भुलाया था। तो मैंने फिर क्या किया, इनके ऑफिस में अंदर जाकर उनको मैंने अपने आईडी कार्ड दिया और उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप मुझे अंदर जाने दीजिए और मुझे बहुत ज़रूरी हॉस्पिटल में काम है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने मेरी एंट्री की अपने रजिस्टर में, और उसके बाद उन्होंने मुझे रिसिप्ट दे दी थी कि आप ये शो करा के आप अंदर जा सकते हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा कि चलें ये रिसिप्ट तो सिक्योरिटी वाले ले लेंगे, पुलिस वाले मुझसे ले लेंगे, तो जब मैं वापस आऊँगा तो मैं वापस मस्कत में एंट्री कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे पास तो पासपोर्ट है नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि वापसी के लिए भी आपको ये करना पड़ेगा कि जब आप वापस आएंगे तो आपने वापस अंदर ही आना है इसी जगह पर, और आपने उनसे बोलना है कि आपकी एंट्री ऑलरेडी हुई हुई है रजिस्टर में। तो फिर वो रजिस्टर ओपन करेंगे, आपको वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद आपको एक बार फिर से वो पर्ची बना के दे देंगे, और वो रिसिप्ट लेकर आप वापस एंट्री कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, मगर इस पर ज़्यादा आप लोग डिपेंड मत कीजिएगा कि मुझे तो चलें अलाउ कर दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक को वो अलाउ कर दें, तो इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए कभी कभी इस तरह चीज़ों में। तो ये था वो प्रोसीजर कि कैसे हम मस्कत से बुरेमी में एंट्री मार सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।